प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी के सभी छात्रों सुने, इससे पहले बताया गया था जब राम जी कहते हैं कि भाई भरत को जिस माँ कैकेयी ने जन्म दिया वो माँ ही नहीं, इसके भावों को इसकी मनोवृत्ति को नहीं समझ पाई तो और कौन जान सकता है। तो इस बात को सुनकर के कैकेयी कहने लगी, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयीश्वर को, अगर ये बात सत्य है तो हे राम, हे बेटा राम, अब तुम घर लौट चलो। जब घर लौटने की बात कही कैकेयी ने तो वहाँ पर उपस्थित सारे लोग चौंके, सब सुनकर ये बात सुनकर के सभी लोग जो थे वो आश्चर्यचकित हुए, चौंक गए कैकेयी की बात सुनकर के। कैकेयी की आवाज सुनकर के सब लोग जो थे वो चौंक गए। सबसे रानी की ओर अचानक देखा, जो लोग वहां पर उपस्थित थे सभी ने रानी की तरफ अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषारा व्रता यथाविद लेखा, कहती ऐसी लगती थी वैधव्य, विधवा हो गई थी, दशरथ मर गए थे, इसलिए श्वेत साड़ी को जिसने पहन रखा था तो श्वेत साड़ी धारण करके ऐसी लगती थी तुषारा व्रत। तुषार माने कहते वर्फ से ढकी हुई हो, अथवा विदु लेखा, विदु माने चंद्रमा की रेखा हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब्बी थी हाहा गोमखी गंगा। वह बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कहते वो कैकेयी जो है स्थिर रूप से बैठी हुई थी, या कहिए सारी सभा बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी असंख्य तरंगा उनके अंदर विचार रूपी असंख्य अनगिनत तरंगा माने लहरें जो थी वो उत्पन्न हो रही थी। वह सिंगी अब्बी थी हा गोमखी गंगा, कहते वो कैकेयी जो सिंगी थी, सिंगनी थी, जैसे सिंगनी जो है दूसरे का वध करके पाप करती है, लेकिन आज कैकेयी जो है गोमुखी गंगा, गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान पवित्र हो गई है। ये सही है कि कैकेयी ने सिंगनी के समान पाप किया है, लेकिन आज वो पश्चाताप रूपी अग्नि में जल रही, अपना शोधन कर रही है, तो अपना को शुद्ध करके आज गोमुखी गंगा की तरह से आज कैकेयी पवित्र हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घोर भैया, अपराधिन मैं हूं ता तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, आप लोग मान रहे हैं कि कैकेयी ने भरत जी को जन्म देने के बावजूद भी उसको नहीं जान पाई, अगर ये बात सत्य है तो आप अब घर लौट चलो और ये बात सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी ये माना। सारे के सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं सभी ने इस बात को स्वीकार किया है, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ ता तुम्हारी मैया। अगर ये बात सही है कि मैंने भरत को नहीं अच्छी तरह से जान पाया और पहचान पाया तो आप घर को लौट चलें, अपराधिन मैं हूँ ता तुम्हारी मैया। हे बेटा राम, ये आपकी माँ कैकेयी जो है वो अपराधिनी है, इसने अपराध किया है, इसलिए आप लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सपद है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सपद है, दुर्बलता माने कमजोरी, सपद माने सौगंध। कहते हैं सौगंध जो है वो कमजोरी का प्रतीक होता है, सौगंध वही खाता है जो कमजोर होता है, ऐसा लोगों का मानना है। पर अवला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन स्त्रियों के लिए वास्तव में सौगंध के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है या उपाय नहीं है जिसके द्वारा वो अपनी बात को सही साबित कर सके, सही साबित अपनी बात की पुष्टि करने के लिए उसके पास एकमात्र उपाय जो है सौगंध खाना है। तो कैकेयी कहती यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पद समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यद इसमें सार उसे सब चुन लो। ठहरो, उसकी बात सुनकर के कहने लगते यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अगर मुझे राम को वनवास देने के लिए भरत जी ने मुझे प्रेरित किया हो तो
पद समानी स्वयं पुत्र भी खाऊं। तो जैसे मेरे पति दशरथ राजा स्वर्ग चले गए, वैसे ही मेरा पुत्र भी ना रहे, अगर मुझे मेरे पुत्र ने उकसाया हो। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी तो लोग रोकने लगे, अरे भाई क्या कह रही हो, ऐसा मत बोलो। तो केकई कहने लगी, ठहरो, रुक जाओ, मत रोको मुझे, मुझे कहने के लिए मत रोको, मैं जो कह रही हूं उसमें किसी प्रकार का कहते विघ्न वादा मत डालो, कहूं सो सुन लो, मैं जो कहना चाहती हूं या कह रही हूं उसे आप सभी लोग सुन लें, पाओ ये दुश्मन सार उसे सब सुन लो। अगर उस बात में मेरी कही हुई बात में अगर कोई सत्यता हो, कोई सार हो, तो उसे आप स्वीकार करें, उसे चुन लें, उस पर ध्यान दें। और कहते हैं, करके पहाड़ सा पाम मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहते करके पहाड़ सा पाप, मैंने एक पहाड़ के समान पाप किया, पहाड़ से मतलब बहुत बड़ा। केकई कहती मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने राम अपने पुत्र राम को वनवास दिया, जिसके कारण मेरे पति दशरथ स्वर्गवासी हो गए। तो कहते करके पहाड़ सा पाम मौन रह जाऊं, इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी मैं मौन रहूं, शांत रहूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और उसके बदले में मैं राई का मतलब किंचित मात्र भी, कहते अनुताप माने पश्चाताप न करूं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अपने पाप को कम करने के लिए मुझे पश्चाताप को करना दो। थी सनछत्र ससनिसा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। थी सनछत्र ससनिसा, ससी माने ऐसी रात्रि जिसमें चंद्रमा खिला हुआ था, निशा माने रात्रि, ससी माने चंद्रमा, सनछत्र माने तारों से युक्त, रात्रि चंद्रमा और तारों से युक्त थी, और ओष टपकाती जिसमें ओष टपक रही थी, और रोती थी नीरव सभा हृदय सबकाती, और वहां पर उपस्थित सारे लोग जो है नीरव बड़ी शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, वो मन ही मन रो रहे थे थपका, और अपने हृदय को शांति दे रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। एक तरफ जहां पर रानी केकई बैठी हुई है सफेद वस्त्रों को धारण किए हुए, तो ऐसी लग रही मानो उल्का तारा हो, जैसे उल्का पात जब होता है वो दिशा दैदीप्यमान हो जाती है, उसी प्रकार से जिधर रानी केकई बैठी थी वो दिशा जो थी वो दैदीप्यमान हो रही थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी जो है उल्का पात की तरह से, कहते सारे उपस्थित लोगों के अंदर भय और खेद माने कष्ट पैदा कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रहन सका निज विश्वासी। केकई कहती है क्या कर सकती थी, लोग कहते केकई को मंथरा ने प्रेरित किया, जिसके कारण केकई ने राम जी को वनवास और भरत जी को राजगद्दी मांगी। तो इस पर तर्क देती है केकई, कहती है क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मरी माने जिसका कोई अधिकार नहीं था, ऐसी वो मरी से ऐसी मंथरा दासी मेरा क्या कर सकती थी। लेकिन जब मेरा मन ही न रह सका विश्वासी, मेरे मन ने विश्वास नहीं किया कि बराम जी जो है राजा बन जाएंगे और कौशल्या रानी बन जाएगी तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, इस बात को सोच करके मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरे मन ने ऐसा विश्वास नहीं किया, राम जैसा पुत्र जब राजा बन जाएगा तो तुम्हें पहले से ज्यादा सम्मान मिलेगा, इस बात का मेरे मन ने विश्वास नहीं किया। आए कहते हैं, जल पंजर गत वरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में भागे जागे। केकई अपने मन से कहती है, जिस शरीर के अंदर अय भागे मन, जो तेरे अंदर गलत विचार उत्पन्न हुए, कहते अब उसो, कहते पश्चाताप रूपी अग्नि में अब तू जल, क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वो कहते हैं पीड़ादायक, पीड़ा पहुंचाने वाले, जलाने वाले, कहते हैं ये भाव तेरे अंदर ही तो पैदा हुए थे। कहते क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्मे, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बत्सवी मेरा। तो कहते क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्मे, केकई कहती है सभासदों से, सभा में उपस्थित लोगों से, कहते हैं इसो राम को वनवास इत्यादि जो हमने
कार्य निकृष्ट कार्य किए हैं, इसके अलावा क्या मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है? और कहते हैं कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या पुत्र वात्सल्य का कोई महत्व नहीं है? क्योंकि मैंने पुत्र वात्सल्य में ही अपने सौतेले पुत्रों, अपनी सौत के पुत्रों राम को वनवास दिया, केवल और केवल भरत के प्रति वात्सल्य भाव होने के कारण तो इस वात्सल्य भाव का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ निछावर कर दिया और राम जी को नाना प्रकार से कहते पीड़ित होने वाले इस वनवास को दिया, जिसके लिए ये किया, पर आज अनिशा हुआ बत्सवी मेरा। लेकिन आज वो भरत दूसरे के पुत्र जैसा हो गया, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये केकई का पुत्र नहीं है, ये किसी दूसरी माँ का पुत्र है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कहते हैं केकई कहती है जो मैंने निकृष्ट कार्य किया है, गलत कार्य किया है, इस पर तीनों लोग तीनों लोकों के लोग भले ही मेरी निंदा करें, मेरे ऊपर थूकें, मेरे कार्य की नितांत निंदा करें, और जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और इस विषय में जिसको जो कुछ भी कहना हो वो कहे, इसके लिए क्या चूकने की आवश्यकता है, अर्थात चूके नहीं। लेकिन छीनेन मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का पद ना छीने, बस यही मांग करता हूं। लेकिन मुझसे चाहे कितना भी उल्टा सीधा बोल लो, चाहे मेरी निंदा कर लो, लेकिन भरत की माता होने का गौरव मुझसे न छीना जाए। रे राम दुआई करूं और क्या तुझसे, हे राम इसके अलावा तुझसे मैं क्या दुआई प्रार्थना कर सकती हूं, पर यही आपसे मेरा कहना है। धन्यवाद, आगे कल होगा।